सब एक हो जाओ, आजादी का दीप जलाओ। जब मैं ये बात कहता हूं, जब मैं ये बातें कहता हूं, सारे देश भर में कहता हूं, तो ब्राह्मण मेरे खिलाफ प्रचार करते हैं कि वामन मेश्राम ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। मैं बहुत खास बात आप लोगों को बता रहा हूं कि वामन मेश्राम क्या कर रहा है, ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैला रहा है। अरे जिन्होंने हमारे लोगों के खिलाफ हजारों साल तक ना केवल घृणा अभियान चलाया बल्कि घृणा के आधार पर व्यवस्था का निर्माण किया, शिक्षा के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, शस्त्र धारण करने के अधिकार से वंचित किया और निस्तारण बनाया, हमारे लोगों को शस्त्र विहीन बनाया और प्रतिकार विहीन कर दिया, हर तरह से प्रतिकार विहीन कर दिया और इस तरह से निष्प्राण हमारे लोगों को बनाया। उन लोगों का जो घृणा अभियान है उसका नतीजा हम भोग रहे, उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। तो जो नतीजा हम भुगत रहे हैं तो ये भयंकर काम ब्राह्मणों ने किया, हमारे खिलाफ में ब्राह्मणों ने किया, ये अपराध ब्राह्मणों ने हमारे किया, हमारे विरोध में किया। इतना ही ना मैं बता रहा हूं, मैं इतना ही बता रहा हूं ना कि इन लोगों ने हमारे साथ इतना भयंकर व्यवहार किया, ये मैं बता रहा हूं, आंकड़ों के आधार पर बता रहा हूं, विश्लेषण के आधार पर बता रहा हूं। तो उन्होंने हमारे साथ घृणा किया, नफरत किया, नफरत की व्यवस्था बनाई, नफरत की व्यवस्था लागू कर दी और नफरत की व्यवस्था लागू कर दी उसके हम हजारों साल के शिकार हैं। ये मैं बता रहा हूं, केवल मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैलाना चाहिए, उनको चौराहे में पकड़कर मारना चाहिए, ऐसा मैं कहीं पर भी नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं 3.5% ब्राह्मण है, 3.5% ले लो, अगर हमको अवसर मिले तो हम 3.5% दे देंगे। अगर कोई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का आदमी 3.5% वाले का 3.25% करेगा वो दंड का भागी होगा। तो हम तो किसी भी प्रकार से घृणा अभियान नहीं चला रहे, हम किसी भी प्रकार से नफरत नहीं कर रहे हैं। तो फिर वो ऐसा प्रचार क्यों कर रहे हैं कि हम लोग ब्राह्मणों के खिलाफ इस देश में नफरत फैला रहे हैं। यूनिवर्सिटी में समीक्षा शास्त्र पढ़ाया जाता है सरकारी पैसे से, मैं भी समीक्षा कर रहा हूं, जो पढ़े लिखे लोग हैं यहां स्टेज पर भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, यूनिवर्सिटी में समीक्षा पढ़ाई जाती है, यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाया जाता है। जब यूनिवर्सिटी में समीक्षा पढ़ाई जाती है, इतिहास पढ़ाया जाता है, तो मैं भी तो समीक्षा कर रहा हूं। अगर यूनिवर्सिटी में सरकारी पैसे से समीक्षा करवाया जा रहा है, उसके लिए प्रोफेसर रखे जा रहे हैं, अगर वो नफरत फैलाना नहीं माना जाता उस बात को, तो मैं भी समीक्षा कर रहा हूं। और अगर मैं भी समीक्षा कर रहा हूं तो उसको किसी भी आधार पर नफरत फैलाने की बात नहीं कह सकते हैं, ये बात साथियों ध्यान रखना होगा। एक और इससे संबंध में बात बताना चाहता हूं कि जो लोग आपके खिलाफ दुश्मनी निभा रहे हैं, बहुत गहराई से दुश्मनी निभा रहे हैं, और अगर आपके खिलाफ कोई दुश्मनी निभा रहा है तो कम से कम आपको जागृति करने के लिए यह बताना होगा भाई फला फला आपका दुश्मन है। कोई आपके खिलाफ दुश्मनी कर रहा है, हजारों साल से कर रहा है, दुश्मनी निभा रहा है और बहुत गहराई से निभा रहा है, उसके नतीजे हम भुगत रहे हैं, तो उन लोगों को जागृत करने के लिए ये बताना होगा फला फला आपके साथ घृणा और नफरत कर रहा है। अगर मैं ये बताता हूं
तो ये नफरत फैलाना नहीं है, ये जागृति फैलाना है। मौलिक अंतर समझना होगा। हमारे लोगों को दो चीजों का, नफरत फैलाना और जागृति फैलाना, इन दो बातों का मौलिक अंतर समझना होगा। हम लोग जागृति फैला रहे हैं, हम इस सिद्धांत को मानते हैं कि जागृति का पहला सबक है टू आइडेंटिफाई योर एनिमी। दुश्मन को जानो, दुश्मन को पहचानो। जो दुश्मन को नहीं जानता, जो दुश्मन को नहीं पहचानता है, वो जागृत नहीं होता है। वो डॉक्टर हो सकता है, वो इंजीनियर हो सकता है, वो वकील हो सकता है, वो बैरिस्टर हो सकता है, मगर जागृत नहीं हो सकता। जागृति का पहला सबक है टू आइडेंटिफाई योर एनिमी। दुश्मन को जानो, दुश्मन को पहचानो। मैं आप लोगों के सामने इस तरीके से विश्लेषण करके समझाता हूं जिससे आपको दुश्मन का चेहरा साफ नजर आता है। इसलिए दुश्मन ये प्रचार करता है कि मैं उसके खिलाफ घृणा अभियान चला रहा हूं, नफरत का अभियान चला रहा हूं। मैं किसी भी ब्राह्मण को पकड़ना चाहिए, उसको पीटना चाहिए, उसको मारना चाहिए, मैन हैंडलिंग करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मैं इसके डेडली अगेंस्ट हूं, व्यक्तिगत हिंसा के विरोध में हूं। मैं इसके बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं, मगर ये बात निश्चित रूप से बताया जाना चाहिए कि कौन है वो लोग जो हमारे साथ हजारों साल से दुश्मनी निभा रहे हैं। जो दुश्मनी निभा रहे हैं तो कम से कम लोगों को बताना चाहिए कि वो लोग फला फला लोग दुश्मनी निभा रहे हैं। इतनी ही बात मैं लोगों को बता रहा हूं। इसलिए साथियों, हम लोगों को सही तरीके से जानना होगा, सही तरीके से समझना होगा। जो लोग हमारे खिलाफ में अभियान चला रहे हैं, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि हम किसी के साथ गैर बराबरी का व्यवहार नहीं करना चाहते, गैर बराबरी नहीं करना चाहते। यदि हम गैर बराबरी के शिकार हैं, तो हम गैर बराबरी अपने माध्यम से लागू करना चाहते हैं। हम इस पर यकीन नहीं करते, हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए ये बातें आपके जहन में स्पष्ट रहे, साफ रहे।